हो आप सब। आज आपके लिए जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको हेयर के बारे में बताऊंगी। तो अगर आपकी हेयर की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, नहीं आपको समझ में आ रहा है क्या करना है, तो उसी के लिए ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट। आप लोगों के लिए जो भी वीडियो डालूँ बहुत अच्छी इफेक्टिव वीडियो हो, ताकि आपको उसका 100% रिजल्ट मिल सके और आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम है हेयर्स की है, स्किन की है, उससे आप निजात पा सकें। तो इसी के लिए मैंने एक वीडियो जो बनाई है उसको मैं आपको बताऊंगी कि आपने उसमें क्या क्या सामान मिलाना है। और सब कुछ बहुत आसानी से मिलने वाला सामान है, आपको कहीं भी मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आसपास के दुकानों से भी मिल जाएगा और डेफिनेटली ये सबके लोगों के घरों में भी होता है। तो और इसको हम खाने में भी यूज़ करते हैं। तो उसी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने आपकी हेयर की जो ग्रोथ है नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको मैं ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ, और आप ताकि आप इसको देखकर अच्छे से अपने जो हेयर्स की प्रॉब्लम्स है उससे निजात पा सकें। तो आप एक बार मेरा ये जो नुस्खे हैं, ये होम रेमेडीज़ हैं सारे, तो आप इसको यूज़ कीजिए और फिर मुझे इसके बाद बताइए कि आपको जो ये मेरी होम रेमेडीज़ की वीडियो होती हैं आपको कैसी लगती हैं। आप लोग वीडियो ही नहीं देखोगे पूरी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ का क्या रिजल्ट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो बताती हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जो हेयर्स की प्रॉब्लम्स है उससे निजात के लिए आपने, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप, एक तो सबसे पहले कि आप ऑयलिंग ज़रूर कीजिए, करा कीजिए, क्योंकि ऑयलिंग आपकी हेयर्स की जो आपकी जो गंदगी है एक तो उसको भी ख़त्म करती है और आपके जो बालों की एनर्जी खूब अच्छे से देती है। और ऑयलिंग जब भी आप करें बहुत अच्छे से बालों को तर कर लें उसके बाद ही, और हफ्ते में दो बार ज़रूर सिर धोया करें और ऑयलिंग ज़रूर करें। आपको लग रहा है कि आपने मॉर्निंग में सुबह से धोना है तो आप नाइट में कर सकते हैं, अगर नाइट में भी नहीं कर सकते, नहीं आपके पास नाइट में टाइम है, तो आप 2 घंटे पहले ही अपना ऑयलिंग कर लीजिए। 2 घंटे कम से कम मिलने चाहिए और उसके बाद इसका रिजल्ट देखिएगा, तो आपको खुद ही पता लगेगा कि जो मैं आपको बताती हूँ वीडियो में, तो वो सब इंग्रीडियंट्स मैंने जो वो यूज़ करे हुए होते हैं वही आपको बताती हूँ, और बहुत अच्छा इनका रिजल्ट लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो आपने जो ले लेना है उसका भी बताती हूँ आपको, पर लेकिन आप एक बार फिर बोलना चाहती हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको जो लेना है इसमें वो आपका होना चाहिए सबसे पहला आपका प्याज का रस। प्याज का रस आपको पता है सभी के घरों में मिल जाएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको स्पेशल बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली सब अपने घरों में प्याज का यूज़ करते ही हैं। तो आपने प्याज को ले लेना है, ये एक होम रेमेडीज़ है, आप इसको यूज़ करके देखिए, आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो आप, ये तो है नहीं, क्योंकि आयुर्वेदिक है, हर्बल है, तो इसका थोड़ा धीरे धीरे रिजल्ट आएगा पर बहुत अच्छा आएगा। तो आप इसको यूज़ कीजिए और फिर मुझे बताइए। तो आपने जो ले लेना है वो ले लेना है प्याज। प्याज के रस में आपने पहले प्याज को लीजिए, अच्छे से धो लीजिए, उसको छिलकर उसको उतार के अच्छे से धो लीजिए, उसको छोटे छोटे पीसेस में आप कट कीजिए। कट करने के बाद उसके जो छोटे छोटे और बारीक पीस कर लीजिए, और उसको आपके पास में हाथ वाली मिक्सी होगी तो उसको, जिसको ग्राइंडर बोलते हैं, हाथ से भी जिसको हम यूज़ कर लेते हैं, तो आपको उसमें अच्छे से, मिक्सी में यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको जो आपके जो प्याज का रस है बस वही आपको चाहिए होगा, तो उसका जो आप मटेरियल है उससे आपको कोई वो नहीं है, आप उसको घर में खाने के लिए जो मसाला वगैरह हम बनाते हैं उसमें यूज़ कर लीजिए। तो आपने ले लेना है प्याज। प्याज के रस को अच्छे से आपने मिक्सी करने के बाद एक अपनी छन्नी के अंदर या बारीक कॉटन के कपड़े के अंदर उसको छान लेना है, उसका रस पूरा बारीकी से निकलना चाहिए, और उसमें आप उसको 10 मिनट के लिए रस निकाल के छोड़ दीजिए, और 10 मिनट के बाद उसमें आपने ऐड करना है शहद। शहद आपको डेफिनेटली हर किसी की दुकान पर मिल जाएगा, ज़्यादातर लोगों के घरों में भी होता है, तो आपने ले लेना है शहद। शहद यू उसमें आपने 2 अगर प्याज भी है तो आप उसमें 1.5 चम्मच शहद यूज़ कर लीजिए, 2 चम्मच भी कर सकते हैं, अगर आपके ज़्यादा लॉन्ग हेयर है तो आप उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। तो आपने शहद यूज़ करना और खूब अच्छे से अपने जो रूट्स हैं हेयर्स की, उसमें रूट्स में आपने इसको लगा लेना है, और अच्छे से रूट्स में आपने जो वो मसाज करेंगे बहुत कम से कम 10-15 मिनट अच्छे से होनी चाहिए, और उसके बाद बिल्कुल कॉम्बिंग नहीं करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने ऑयल के बाद कॉम्बिंग बिल्कुल नहीं करनी है,
मसाज के बाद जो आप पैक लगाएंगे, ये एक हर्बल पैक है, तो इसको बस ऐसे लगाइए और इसको छोड़ दीजिए। फिर उसका रिजल्ट आप खुद देखेंगे, और कम से कम 2 घंटे इसको लगा रहने दें। अगर क्योंकि नाइट में आप लगाएंगे तो आपको भी दिक्कत होगी, तो आप ऐसा कीजिए दिन में भी लगा सकते हैं। अगर आप नाइट में लगाना चाहते हैं तो आप अगर सो रहे हैं तो उससे 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे पहले आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो आपने एक प्याज का रस लेना है, उसके अंदर शहद ऐड करना है और उससे अपने बालों की मसाज करनी है, और फिर आपकी हेयर ग्रोथ आप खुद देखेंगे काफ़ी दिन में, आपको इसका रिज़ल्ट थोड़े दिन में ही पता चल जाएगा। और मुझे इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने ये पैक यूज़ किया तो आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और मेरी और वीडियो देखते रहिए, और जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना।